रिपोर्ट पे आपके साथ मैं हूं अनामिका। भारतीय सिनेमा जगत के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। जी हाँ, काफी बड़े सुपरस्टार और अब तक अपनी एक अलग जगह बनाए रखने वाले अमिताभ बच्चन के होस्ट करने के अनूठे अंदाज की वजह से कौन बनेगा करोड़पति ऐसा शो है जो हर जो भी एज ग्रुप के लोग होते हैं वो इसको देखना पसंद करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या फिर यूथ हों या फिर ओल्ड एज के लोग हों, सभी लोग इसको देखते हैं। हालांकि केबीसी के इस सीजन के टीआरपी को लेकर के काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, टीआरपी जो है कहीं ना कहीं ये बातें उड़ रही है, रिमोर उड़ रहा है कि टीआरपी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। इसके साथ ही कई कानूनी झमेले में भी ये शो और इससे संबंधित लगातार उलझते जा रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है। इसी क्रम में धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के आरोप में अमिताभ बच्चन समेत 7 लोगों पर कौन बनेगा करोड़पति के सवाल को लेकर के मुजफ्फरपुर के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। जी हाँ, मतलब कुछ ऐसे सवाल हो गए हैं जिसको लेकर के मुजफ्फरपुर के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। जानकारी के अनुसार सिकंदरपुर निवासी आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने गुरुवार को सीजीएम कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया है। इसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन, एक टीवी क्विज शो के निर्देशक अरुणेश कुमार, राहुल वर्मा, टीवी चैनल के अध्यक्ष मनजीत सिंह, सीईओ एनपी सिंह व प्रतिभागी बेजवाड़ा विल्सन समेत 7 को नामजद किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार परिवाद पर अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की जो डेट है वो तय की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि शो के दौरान प्रतिभागी से धर्मशास्त्र से संबंधित एक सवाल पूछा गया। सवाल और जो ऑप्शंस थे वो जो दिए गए थे उत्तर वो आपत्तिजनक थे, इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। चंद्रकिशोर पारिषद ने आरोप लगाया है कि 30 अक्टूबर को वो अपने आवाज पर कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 के एपिसोड को देख रहे थे। रात को ये कार्यक्रम आता है, सभी लोग देखते हैं। कार्यक्रम में होस्ट अमिताभ बच्चन थे, दूसरी जगह पर जवाब देने के लिए बैजवारा विल्सन बैठे थे। जो कैंडिडेट आते हैं, जो वहां पे प्रतिभागी भाग लेते हैं, वो सारे सवालों का जवाब सोच समझ कर दे रहे थे। हर सवाल के बीच बीच में अमिताभ बच्चन और बैजवारा विल्सन हंसी मजाक कर रहे थे, जो कि एक अलग अंदाज है अमिताभ बच्चन का। ये एपिसोड के बीच में अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट से 64 लाख रुपए का सवाल पूछा और उस सवाल से हिंदू भावना को ठेस पहुंची है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन ने यह सवाल पूछा था कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने किस धर्म ग्रंथ की पर्चियां जलाई थी, यानी कि बर्न की थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें ए ऑप्शन में विष्णु पुराण था, बी ऑप्शन में भगवद गीता था, सी ऑप्शन में ऋग्वेद था और डी ऑप्शन में मनुस्मृति दिया गया था, जो 4 ऑप्शन जनरली हर प्रश्न में रहते हैं। इसी प्रश्न को लेकर के वादी चंद्रकिशोर पारासर का परिवार में कहना है कि जानबूझकर के हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने के लिए शो में इस तरह का प्रश्न सेट किया गया, इसे हिंदू भावना को आघात पहुंचता है और न्यायालय 3 दिसंबर को ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई करेगी। यानी कि इस परिवार को मुकदमा के रूप में लिया जाए कि नहीं, इसका जो फैसला है वो 3 दिसंबर को होगा। तो अब हमें क्या करना है, 3 दिसंबर का वेट एंड वॉच। फिलहाल इस खबर में इतना ही।